रुद्राक्ष जो अपने शरीर पर धारण करता है देवादिदेव महादेव की उस पर कृपा हो जाती है, भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और जिसके शरीर पर रुद्राक्ष रहता है, देखो यदि रुद्राक्ष आपने पहना हुआ यार वो हार्ट तक आपके पहुंच रहा है, कभी अटैक आपको नहीं होगा, बीपी आपका कभी नहीं बढ़ेगा, कभी रक्त उच्चताप या निम्नताप नहीं होगा, आपका बीपी बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, व्यवस्था व्यवस्थित रहेगा जो रुद्राक्ष धारण करता है। और शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि जो अपने जीवन में रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिव सायुज्य हो जाता है, शंकर जी की तरह बन जाता है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है कुत्ते की, कि एक किसान अपने कुत्ते को भी शिव भक्त था, तो कुत्ते को भी रुद्राक्ष पहना कर रखता था। जब वो मरा, मरने के बाद जब वो स्वान का, स्वान को देखो निकृष्ट योनि बताया गया है, क्योंकि हर चीज का भक्षण कुत्ता कर लेता है, मलमूत्र को भी खा लेता है, गंदगी को भी खा लेता है, हड्डियों को भी खा लेता है, जो कुछ भी आप कुत्ते के आगे डालोगे सब खा लेता है। तो निकृष्ट योनि स्वान की बताई गई है, पर लेकिन रुद्राक्ष उसके गले में था और उसका मरण हुआ, मरने के बाद वो शंकर जी के धाम को गया। रुद्राक्ष धारण करने मात्र से ही उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई, वो तो स्वान था। यदि हम आप रुद्राक्ष अपने शरीर में धारण करके रखेंगे तो क्या भोले बाबा की कृपा नहीं होगी? निश्चित तौर पर होगी।